मतलब बहुत ज्यादा ही हो चुका था भाई अभी रेसिंग के मामले में। एक्टिवा 6G और R15 की रेसिंग डाल देते बीच में हम लोग ने भाई। रेसिंग लगा रहा क्या? रेसिंग लगा रहा क्या? नहीं यार, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा इतने टायर ये सब क्या रखे हुए भाई यहाँ पे? चलो जी एक्टिवा 6G है, अभी तक ये 0 पे ही चल रही होगी भी। भाई R15 और एक्टिवा 6G फिर से हो जाएगी। ओ भाई गया 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 गया। So, here is your CVK Rider 007, welcome back to the new episode. Oh, अरे भाई, एपिसोड का नाम क्या ले लिया तो स्पीड ब्रेकर आ गया और सामने का पहाड़ देखो एक नंबर। ठीक है, आप सबको पता ही है कि मैं एकदम सीरीज में डाल रहा हूँ। एंड हम लोग जब लास्ट डे वृंदावन गए थे, सीरियसली बोलूँ ना गाइस, मतलब वहाँ के जो पार्ट्स रहा मैंने इसीलिए आपको प्रॉपरली पूरा मैंने बताया, जो भी वो स्वामी जी हमें बता रहे थे वो भले से मे बी 20-25 मिनट के आसपास का व्लॉग था वो, बट वो सब आपको दिखाने का यही मोटिव था मेरा कि आप सभी को भी इस तरीके से नॉलेज अच्छे से मिल जाए, इसीलिए गुरुजी ने जो भी बताया वो सब मैंने आप लोगों को बिना कट किए प्रॉपर आपको मैंने बता दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये वाला व्लॉग आप सभी देखिए, अपने घर परिवार में भी दिखाइए। मतलब हम एक एक दिन जो हमारा है यहाँ पर जो हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करने को ट्राई कर रहे हैं, और जैसे कि पता ही है कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके पास में आस पास में किधर तो वाटरफॉल है और उस वाटरफॉल को जाके पहले विजिट करते हैं, बिकॉज़ अगर आप जून में जा रहे हो, मैंने सुना है कि वो जो वाटरफॉल है वो 12 महीने बहते रहते हैं, मतलब 12 महीने वाटरफॉल चालू रहता है। तो एक बार जाके अपन चेक करते हैं एंड आप लोग को भी दिखाते हैं। मेरे गोपुर में बैटरी में थोड़ा कम है। चलो जी मैं बोला पीछे की टीम किधर चलेगी, फिर याद आया कि एक जन जो है वो बाइक वाला पीछे अपने एंड एक अपनी बाइक तो आगे आगे चल रही है। एंड हम एक अभी एक गांव में से होते हुए जा रहे हैं जो कि पालघर का डिस्ट्रिक्ट कुछ तो समथिंग एरिया लगता है, तो यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं। एंड ये लोकेशन से आओगे ना तो आपको यही रूट मिलेगा, और जैसे कि भाई बेस्ट रूट है ये वाला। ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, रोड के कंडीशंस भी एक नंबर है, A1 है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हो। देखो कितना खाली खाली रोड है, आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। वाह, मतलब क्या ही रोड है यार यहाँ पे। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा कोई हेलमेट वगैरह वियर कर नहीं रहे, बिकॉज ऑफ ये गांव जैसा एरिया है, गांव वाले है इसीलिए। तो कुछ इस तरीके से रोड है और मैं लीन करते हुए जा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज भाई अपने 6G साथ में तो क्या बात हो जाएगी भाई, और क्या मस्त रोड है यार। एंड गाँव तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाँव है यहाँ पे, झाड़ वगैरह मैंने झूले वगैरह बांध के रखे हैं यहाँ पे, कितना मस्त है यार। एंड यहाँ पे आके वो जो हल्की हल्की बारिश हुई और जो मिट्टी का स्मेल आ रहा है ना यार, मतलब पहली बारिश की जो खुशबू आती है ना, वो भाई मिट्टी वाली खुशबू आ रही है भाई यहाँ पे, और वो तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा नहीं सकता, बट मैं खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद। मैं तो बोलूँगा गाइस आप सब भी ज़रूर से आओ ऐसे प्लेस पे। वाह, एंड मुझे खुद को ना क्या हुआ, अरे हाँ यार मैं भूल ही गया कि अपने पीछे भी एक बाइक आ रही है, वो बाइक अभी तक आई नहीं है। आया ही नहीं अभी तक, आया आया आया, चल 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 आया वो। ए गाड़ी स्टार्ट कर, चल आया वो। ये लोगों कहा है यहाँ पे ट्रैक्टर वैसा भी सब है यार, जबकि जो खेती वगैरह करते ना उसके चलते ट्रैक्टर भी यहाँ पर है। और मतलब ये जो गांव जैसी फीलिंग है ना यार, मैंने एक्चुअली मैं गांव कभी गया नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है गांव का, बट अभी ये सब जगह पे जब आता हूँ ना
तो एक बेस्ट फीलिंग आ जाती है भाई गांव वाली। और यहाँ पे देखो ना, मतलब ओल्ड टाइप के, मतलब बिजली के पोल वगैरह है यहाँ पर, बिजली के खंभे एंड वो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर का बना के रखते हैं। ए भाई क्या कर रहे हैं टेम्पो वाला यार, डॉग अभी बज गया, डॉग बज गया यार बेचारा। सामने टेम्पो वाला कैसे पागल से चला रहा है, आराम से चलाने का ना। चलो जी ये रोड चेक करो गाइस, ओहो भाई नेक्स्ट लेवल सही लग रहा है भाई मुझे तो। और यहाँ पे भाई जो तरीके से मैं राइड कर रहा हूँ ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। ये देखो गाइस क्या ही लीन है यार यहाँ पे, एक लीन करता जाता है हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बारिश हुई है ना। अरे भाई ओके, गन्ने का जूस पीने का है यार मेरे को भी। कंचाड़ खानी वली, ओके राइट जाएंगे तो खानी वली आएगी, लेफ्ट में कंचाड़ करके है एरिया। मुझे अभी इतना एरिया का नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कौन सा क्या है एरिया, तो हम सिर्फ पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। कंचाड़ यहाँ से 3 किलोमीटर एंड जो मनोहर है वो 15 किलोमीटर है, तो मे भी हम अभी यहाँ से ना मनोहर भी जा रहे होंगे, 15 किलोमीटर के अराउंड समथिंग है यहाँ से। अरे यार क्या नेचर है यार भाई, रेस हो गई है रेस भाई, एक्टिवा 60 R15 V2। पीछे वाला इतना हॉर्न मार मार के आके भाई दिखा रहे हैं। हार गया हार गया हार गया ना, हाँ एक्टिवा 60 से पंगा लेगा, हाँ 60 से पंगा लेगा, 60 से हार गया ना, हाँ 60 से पंगा लेने की फिरत में था भाई ये, हाँ 60 की फिरत में भाई ये। वो लड़के लोग ना कब से ना हम लोग का ही पीछा कर रहे हैं, वाले ने क्या भाई, वो लड़के लोग अपने पीछे पीछे आ रहे थे वो लोग, हाँ वो लड़के ना अपने पीछे पीछे आ रहे बोलता है क्या हमारी राइडिंग करता है वो देखा तेरे को तेरी गाड़ी देखा ना आया। हम लोग आ चुके हैं फिर से हाईवे पे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ही हो चुका था भाई अभी रेसिंग के मामले में। एक्टिवा 60 R15 की रेसिंग डाल देते बीच में हम लोग ने भाई। और ये वो लोग है भाई जो कि हम लोग को ना हमेशा रुका रुका के आ रहे, इतना स्लो स्लो गाड़ी चला रहे ना। ओए रेसिंग रेसिंग लगा रहा क्या, रेसिंग लगा रहा क्या, बिल्कुल चुप। ओके ये ब्रो ये आगे मिलते हैं आपसे ओ भाई नेक्स्ट लेवल। चलो जी एक्टिवा 60 एंड अभी तक ये 0 पे ही चल रही होगी बिकॉज इसका स्पीड मीटर खराब है। आ जा बैंडी, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह भाई आरन पे और एक्टिवा 60 फिर से हो जाएगी भाई। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह ना कुछ भी नहीं दिख रहा, इसके लिए सेफली जाना पड़ रहा है। अच्छा लगाया रेसिंग, लगाया उसने, लगाया 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 उसने भाई, लगाया रेसिंग तो भाई गया 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 यार गया आगे तो भाई यार वाला निकल गया आगे यूनिकॉर्न तो पीछे दिख ही नहीं रही भाई मुझे तो। अरे मेरा टेंशन मत ले, एक बार इसी पे आऊंगा, इसी रोड पे निंजा लेके आऊंगा मैं, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, एक्टिवा 60 द बेस्ट परफॉर्मेंस भाई, 10 out of 10 मिलेगा इसको भाई, बेस्ट परफॉर्मेंस है यार, पिकअप के मामले में भी स्पीड के मामले में भी। एंड मैंने इसी 60 से क्लासिक 350 को भी आ रहा है भाई, कुछ भी स्पीड के मामले में नहीं बट मुंबई में ट्रैफिक के मामले में हरा है भाई ये गैप मार मार के जो निकली थी ना वो बेचारा तो भाई क्या ही निकल जाएगा। पहले तो वाइजर ऊपर कर लेता हूँ और पेट्रोल पहले फ्यूल हम फ्यूलिंग कर लेते हैं बिकॉज ऑफ आगे एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है 50 किलोमीटर पे। तो भाई अगर आगे एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है तो इधर ही पेट्रोल फुल कर लेते ना, टेंशन नहीं रहेगा बाद में। चलो जी ए जीरो देखने बोल, जीरो भाई फ्यूलिंग वगैरह अपने को चाहिए रहता है तो यहाँ पे फ्यूलिंग का ब्रेक लिए थे और मतलब बैक साइड में देखो पूरा फ्यूलिंग
हो रहा है। एक्टिवा 60 का तो टंकी फुल कर लिया मैंने और अभी सीधा निकलते हैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन। यार लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा इतने इतने टायर ये सब क्या रखे हुए भाई यहाँ पे? शायद से ना टायर का डंपिंग यार्ड होगा ये, और यहीं से जो भी मतलब ओल्ड टायर है उसको जो भी वो प्रोसेस करते एंड उसका नया टायर बनाते तो वो एरिया वो पीछे साइड में होगा अभी, क्योंकि इतने सारे टायर के पहाड़ थे ना वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ भाई, बहुत सारे टायर के पहाड़ थे वहाँ पे भाई। एंड गाइस अपन अपने टाकी देखो यार फुल कर लिए, हाई स्पीड 0 बता रहे वहाँ पे, ध्यान में दो आप लोग। ये देखो गाइस फुल टंकी फुल भाई। एंड जब ये जो फीलिंग है सिर्फ एक राइडर समझ सकता है कि आपके गाड़ी का टाकी जब फुल रहेगा ना तो उसको जो जोश चढ़ता है ना भाई वो सिर्फ और सिर्फ एक राइडर समझ सकता है। एंड अभी अपन आगे पहुंचे हैं आपटी गांव में, तो ये आपटी वाला एरिया है जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देख ही सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एरिया है और यहाँ पे गुलाबी फूल भी होकर रखा है। पब्लिक तो भाई R15 को मुड़ के देख के जा रही है भाई, बिकॉज अपने R15 का भाई BMW जैसा मॉडल हैंडल करके रखा है यार, ऐसा लगता है कि वर्सेस का हैंडल लगे रहे भाई उसमें। तो यहाँ पे तो भाई ईंट की भट्टी वगैरह पूरी है यहाँ पे, और इस वाले ब्लॉक के मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हम लोग जहाँ पे पहुँचने का था हम पहुँच चुके हैं, देखो भाई कुछ इस तरीके से लोकेशन पे आ चुके हैं हम लोग अभी, और इसके बाद वाला ब्लॉग जो है मैं बाद में करूँगा बिकॉज ऑफ मेरे GoPro में चार्जिंग भाई पूरी की पूरी डाउन हो गई है, तो मैं इस वाले ब्लॉक का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।